हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड दिस इज मी सौदागर 01। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नया दिन नया ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आशा रखता हूँ कि मेरा चैनल पे आप लोगों का जो जो वीडियो आ रहा है, मतलब मेरा चैनल में वो बढ़िया बढ़िया वीडियो ही आ रहा है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बोलिएगा मेरा वीडियो कैसा है, कैसा बनाया हूँ वीडियो बोल के। तो आज वीडियो में मेरा टॉपिक होने वाला है जो मेरा कैमरा है Insta360 1X2। और वो एक साल का, मतलब एक साल से भी थोड़ा दिन हो गया, एक साल का ही आप लोग पकड़ लीजिए, एक साल ही हो गया। एक साल का हम रिव्यू देने वाला हूँ और क्या क्या सामान चाहिए था, कितना कोस्ट उसका पड़ा और क्या क्या मतलब प्रॉब्लम भी फेस होता है, वो सभी बार हम बोलने के लिए हम कोशिश करूँगा। और जो कैमरा का व्यू वगैरह है, वो कैमरा का फर्स्ट बात बोलने से पहले मतलब वो व्यू आप लोग देख लीजिएगा। तो गाइस आप लोग बोलिएगा, ये वीडियो जो शॉर्ट्स था, मतलब ये वाला कैमरा का ही था, मतलब Insta360 1X2 का वो जो कैमरा है, मतलब 360 कैमरा। तो बेस्ट ऑफ द सेगमेंट होता है, मतलब जितना भी 360 कैमरा वगैरह एक्शन कैमरा भी है उनका, मतलब सबसे बेस्ट मुझे लगता है, मेरा ये पर्सनल मतलब बात है, मतलब मुझे सबसे बढ़िया लगता है यूज़ करके। और जितना भी मतलब कैमरा वगैरह अलग अलग हो गया, GoPro का भी मैक्स जो आता है 360, वो भी हम पास से देखा हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है वो वाला। मतलब जो कैमरा का मतलब एंगल वगैरह होता है वो परफेक्टली एंड एक्यूरेट वो जस्टिफाइड नहीं करता है कैमरा में, मतलब जो 360 व्यू में, मतलब बाकी तो सब बढ़िया ही है और GoPro भी ऐसे ही बढ़िया ही है, लेकिन ये वाला कैमरा में भी प्रॉब्लम वगैरह है और भी बहुत बहुत कुछ है। और ये जो कैमरा है, मतलब बोलने से एक तरीके से आईफोन का जैसे ही, मतलब जैसे ये जो आईफोन खरीदने से, मतलब उसका चार्जर खरीदो, उसका एडाप्टर खरीदो, ऐसे मतलब चार्जर एडाप्टर अलग अलग से, मतलब ईयरफोन वगैरह ये सब खरीदने से उसका जो फुल सेटअप है वो बनता है आईफोन का। ऐसे ही सेम सिचुएशन है, बारिश भी आ रहा है, ऐसे ही बारिश में मतलब भीग के आप लोगों के लिए वीडियो वगैरह बना रहा हूँ अभी, तो क्या ही बोलेगा। और जो Insta360 है वो कैमरा भी सेम सिचुएशन का ही है, मतलब फर्स्ट जो कैमरा है, कैमरा मतलब सिर्फ कैमरा ही आता है और कैमरा का साथ मतलब जो केस वगैरह, SD कार्ड वगैरह, और एक बात बोलूँगा, SD कार्ड भी मतलब अलग अलग SD कार्ड, मतलब जो GoPro में यूज़ वगैरह होता है SD कार्ड, वो थोड़ा लो MBPS का जो SD कार्ड होता है वो सपोर्ट नहीं करता, हाई MBPS का, मतलब लगभग जो MBPS रहता है 120-150 ऐसे MBPS रहता है ना, जो हाई MBPS का मेमोरी कार्ड है वही मतलब वहाँ पे मतलब सपोर्ट करता है जो Insta360 कैमरा है। और वो जो कैमरा का मतलब थोड़ा तो झाल झमेला है उसका कैमरा का ही, मतलब जो ऐप वगैरह भी है और जो वीडियो वगैरह एक्सपोर्ट करने का वो भी थोड़ा झमेला है, लेकिन GoPro में क्या होता है, GoPro में डायरेक्ट जो कैमरा का वीडियो फुटेज वगैरह होता है डायरेक्ट आउटपुट कर सकता है और वो डाटा केबल से भी कर सकता है, और Insta360 में तो डाटा केबल से कर ही नहीं सकता है। वो एप्लीकेशन का एक एप्लीकेशन है Insta360 1X का बोल के, वो हम हाँ Insta360 बोल के है वो एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन भी मतलब आईफोन का तो 1 GB के आसपास आता है जो एप्लीकेशन है, जो एंड्रॉयड का है वो भी 500-600 का आसपास ही आता है लगभग, मतलब अंदर का भी कुछ डाउनलोड वगैरह करना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन का ही मतलब एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है। तो गाइस अभी इतना पे ये वाला बात मतलब इतना पे ही ख़त्म करता हूँ, और कैमरा का जितना भी गैजेट वगैरह है, कितना प्राइस है, क्या है, वो वाला सीन आप लोगों को दिखाता हूँ। और भी गैस मम्मी को मतलब वीडियो वगैरह करने के लिए दिया था, तो मम्मी को हम गिरने ही वाला था, मतलब मम्मी को उतना ज़्यादा आता नहीं है ये सब, और बारिश भी आ रहा है थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है, बारिश का बूंद भी गिर रहा है, तो क्या ही बोलेगा। अंदर में आप लोगों का क्या क्या वो गैजेट वगैरह है वो भी दिखाता हूँ, ज़्यादा ही लेक्चर हो गया, हम दिखाता हूँ। और अभी गाइस मेन टॉपिक पे आता हूँ, जो ये वाला कैमरा है, तो ये वाला है Insta360 1X2, आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये हो गया Insta360 1X2 और पॉकेट 360 स्टडी कैम, और यहाँ पे लिखा ही हुआ है, लेकिन जो ये पॉकेट मतलब फट गया, इसका जो बॉक्स है वो पापा कुछ गिरा गया, मतलब इसका मतलब बॉक्स ही फटा दिया। और ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है GoPro का केस है, मतलब जो डिब्बा है वो GoPro का ही डिब्बा है, लेकिन जो Insta360 का डिब्बा मतलब वो 2600 या 2500 का आसपास आता है, तो हम आज तक खरीद ही नहीं पाया। और जितना भी हो गया ये इसका सामान वगैरह हो गया, ये सब इसका सामान वगैरह हो गया, और भी मुझे लेना है, अभी भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है जितना भी सामान है। और अभी गाइस मेन टॉपिक पे आता हूँ, जो ये वाला कैमरा है, मतलब ये वाला है, तो ये सिर्फ Insta360 1X2 कैमरा 45,000 में हम लिया था। और जो गाइस ये कैमरा है, कैमरा का अंडर में मतलब हम तो पहले से एक साल हो गया यूज करने वाला, लेकिन कैसे रहता है वो भी दिखा देता हूँ। जो ये होता है कैमरा ऐसे रहता है, वो उल्टा रख दिया हम, कैमरा रहता है ऐसे,
इसी कैमरा रहता है, और सिर्फ यही मिलेगा, और इसका साथ एक केबल मिलेगा, और उसका अलावा मतलब इसका साथ तो कुछ भी मिलता ही नहीं है, और बैटरी वगैरह है, बैटरी उसका बैटरी इसका साथ में ही मिलता है। तो बैटरी को भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। और गाइस ये हो गया इंस्टा 360 1X2, और इतना छोटा है, पॉकेट आई स्टडी 360 कैमरा है। तो इसका जो बैटरी है, बैटरी भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। बैटरी सिर्फ इतना ही छोटा होता है, लेकिन GoPro से तो GoPro का भी अलग होता है और इसका भी अलग होता है। इसका साइज़ देखिए इतना ही होता है, और इसका अंदर में कुछ भी नहीं रहता है, और SD कार्ड यहाँ पे रहता है। और ये हो गया SD कार्ड, और इसका प्राइस भी बोलूँगा SD कार्ड का। तो अभी आता हूँ गाइस मेन टॉपिक पे। तो ये कैमरा मुझे पड़ा था 45,000, और 45,000 से थोड़ा ज़्यादा पड़ा था, लेकिन वो हम कैमरा का दाम में मतलब नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि वो DDDC का हिस्सा था। और इसका अभी हम कैमरा भी ऑन किया हूँ, वो भी देखिए। और ये हो गया मतलब अलग अलग मूड भी होता है। बाय द वे इसका कैमरा का मतलब हम ऑनलाइन या कहीं से भी नहीं लिया था, ये एक दुकान से DDDC कराया था। तो तभी ऑनलाइन में भी नहीं था ये वाला कैमरा, बहुत हम ढूंढा था लेकिन नहीं मिला ऑनलाइन में। और इसका प्राइस तो अभी घट गया, अभी तो पता नहीं कितना हो गया इसका प्राइस, लेकिन अभी तो नया मॉडल भी आ गया। ये हो गया इंस्टा 360 1X2, लेकिन अभी 1X3 आ गया, वो तो और भी बढ़िया है, और इससे भी थोड़ा छोटा है। और यहाँ पे डिस्प्ले जो होता है, इसका डिस्प्ले बड़ा है, लेकिन यहाँ पे एक डिसअपॉइंटेड ही बोलूँगा, जो इसका डिस्प्ले है इतना छोटा है, देखिए कुछ दिखाई भी नहीं देता यहाँ पे। और अभी का जो है बहुत बड़ा आता है इसका डिस्प्ले, इतना बड़ा आता है, पूरा साइज का ही डिस्प्ले आता है, तो वो बढ़िया चीज़ है। और कैमरा का भी थोड़ा इम्प्रूव वगैरह कर दिया, मेगापिक्सल वगैरह। और ये हो गया कैमरा सिर्फ, और इसका कैमरा का साथ जो हम अभी मेमोरी कार्ड दिखाया था, वो मेमोरी कार्ड मुझे पड़ा था पहले तो फर्स्ट जो GoPro का मेमोरी कार्ड होता है वो हम यूज़ किया था, लेकिन वो लगाया जब भी वो लगाया लेकिन थोड़ा ऑन होता है और मतलब ऑफ ही हो जाता है लगभग, और कैमरा मतलब झेल नहीं पाता है, मेनली बात वो है। और उसका बाद हम सर्च वगैरह किया थोड़ा, तो उसका जो बुक है वो भी पढ़ के थोड़ा मेरा पढ़ा, तो देखा कि मतलब यूट्यूब में भी देखा, तो इसका जो मेमोरी कार्ड थोड़ा हाई स्पीड का मेमोरी कार्ड सही है, तो इसलिए हम हाई स्पीड मेमोरी कार्ड मंगाया था। 256 GB का मतलब SD कार्ड मंगाया था, वो भी करीब 8,000 के आसपास ही पड़ा था, वो ऑनलाइन से ही हम मंगाया था। और ये हो गया कैमरा का मतलब जितना भी बात बोला वो बोला, लेकिन इसका डिसअपॉइंटमेंट भी अभी बोलूंगा। और इसका ये जो कैमरा है सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये ज़्यादा गर्मी में मतलब सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसका तो मुझे पता नहीं है। अभी वो वाला प्रॉब्लम 1X3 में अभी सॉल्व हो गया बोला है, हम जितना भी रिव्यू वगैरह देखा था, लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम वही है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा धूप, अभी तो गर्मी का सीजन आ रहा है, तो गर्मी का दिन में मतलब वीडियो वगैरह बनाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, वो अलग पता नहीं क्यों होता है, लेकिन कैमरा खुद ब खुद मतलब रुक जाता है, नहीं तो ऑफ हो जाता है। तो इसका टेम्परेचर मतलब क्या ही बोलेगा, जितना लो टेम्परेचर है उतना ही बढ़िया है। और इसका एक मेन खासियत भी है, ये खुद का पैर में मतलब खराबी हो सकता है इसका ये वाला कैमरा जो है जो आईफोन का जैसा है वो खराबी हो सकता है। और सब कुछ बढ़िया ही लगा मुझे जितना भी है, GoPro से भी बढ़िया लगा, लेकिन इसका जो एडिटिंग वगैरह झमेला है वो थोड़ा दिक्कत वाला झमेला है, बहुत बहुत ज़्यादा ही मुश्किल का काम है इसका जो एडिटिंग वगैरह हो गया, अलग अलग हो गया, तो जो इसका फ्रेम वगैरह की फ्रेम वगैरह मिलाना पड़ता है वो भी थोड़ा झमेला का ही काम है। और ये भी आप लोग देखिए, तो ये बॉक्स में देखिए, तो बॉक्स में भी यहाँ पे है, तो ये भी देखिए, तो गाड़ी में भी मतलब ये वीडियो वगैरह बना सकता है, मोटो ब्लॉगिंग भी कर सकता है, इसे भी मतलब वीडियो शॉर्ट्स वगैरह भी बना सकता है, और इसे मतलब पार्टी में भी वीडियो बना सकता है, एक्शन में भी वीडियो बना सकता है, ये वाला एक्शन में भी, और मतलब अलग अलग पर्पस में अलग अलग वीडियो बना सकता है। अरे मोट गिरो भाई, और यहाँ में भी यहाँ में मेंशन भी किया हुआ है जो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स मिलेगा, हाइपर लेप्स मिलेगा, वॉइस कंट्रोल मिलेगा, वॉइस से भी मतलब ये कैमरा ऑन ऑफ ये सब होता है। और यहाँ पे होता है 4 माइक 360 ऑडियो सिस्टम भी है, मतलब जो ऑडियो सिस्टम है वो 3D में भी कैप्चर करता है। जो यहाँ पे है अल्ट्रा ब्राइट स्क्रीन, मतलब स्क्रीन को भी मतलब ब्राइटनेस अवेयरनेस कर सकता है, लेकिन ये कोई मतलब का नहीं है क्योंकि वो स्क्रीन ही इतना छोटा है। और ये वाटरप्रूफ भी है, और वाटरप्रूफ यहाँ पे 32.8 फीट लिखा हुआ है, 10 मीटर का गहराई तक ये वीडियो बना सकता है, मतलब ये कैमरा फुल्ली वाटरप्रूफ है। और जो AI एडिटिंग भी है, और यहाँ पे स्टडी कैम मोड जो है होता है एक साइड का ही होता है, मतलब अभी मोटो ब्लॉगिंग में तो 360 ज़्यादातर बनाने से बहुत ही झमेला हो जाता है, तो हम तो ज़्यादातर ये स्टडी कैम मोड में ही वीडियो वगैरह बनाता हूँ। और जो इसका 360 है मेन मतलब पर्पज़ के लिए ये यूज़ करता हूँ ये जो कैमरा, तो ये 5.7K 360 डिग्री कैप्चर करता है, और 5.7K के मतलब इसका रेजोल्यूशन है बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी का, मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का इसका परफॉर्मेंस देता है कैमरा का। और बाकी तो हो गया इसका इन्फॉर्मेशन, और जो कुछ ज़्यादा है नहीं। और अभी इसका
इसका जो सीज वगैरह है, इसका अलग अलग सीज है, इसका मतलब जो एसेसरीज है, इसको अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। और गाइस हम जब खरीदा था तो सारा प्लानिंग करके ही खरीदा था पहले। तो ये जो कवर है ये कवर भी अपना खुद का पैर में ही खड़ा हो सकता है। और ये कवर देखिए बहुत ही बढ़िया है और एल्यूमिनियम का, और इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया लगा। और ये नोट भी बहुत बढ़िया है। और इसका जो कैमरा का मतलब एक ही डिसअपॉइंटमेंट है, और मतलब डिसअपॉइंटेड ही बोलूँगा, ये अच्छा बात नहीं है। कवर भी इतना दाम है, मतलब इसका कवर ज़्यादा ही कुछ दाम का है। ये 8,800 रुपीज़ का है कवर टोटल मिला के, मतलब इसको भी मतलब हम DDTC करा था 8,800। और ऑनलाइन में भी देखा था, ऑनलाइन में भी 8,000 का भी ऊपर में ही है, 8,000 से भी ऊपर में ही है ये जो कवर है। और इससे सस्ता भी मतलब मिलता है कवर वगैरह, वो सब अच्छा नहीं है, हम इसीलिए इसको ही परचेस कर लिया। तो क्या पता वो कितना दिन चले क्या नहीं चले। और इसका मतलब जो ये होता है अभी दिखाता हूँ, इस तरह में भी लगा सकता है। और ये मैग्नेट का है, और यहाँ पे मतलब जो स्टिक होता है, स्टिक का मतलब ये यहाँ पे लगा सकता है, स्टिक वाला इसे स्टिक लगा सकता है। और ये वाला जो सीस है इस तरह में भी लगा सकता है, जो दो हॉल है और उसको एलेंगी से खोल के, इसका साथ एलेंगी वगैरह भी आया था, इसको खोल के मतलब लगा सकता है। और इसका हो गया 8,800 रुपीज़ इसका, इसको साइड करता हूँ अभी। जो उसका बाद मेनली आता है कैमरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब ये हो गया कैमरा लेंस, ये इंस्टा 360 का कैमरा लेंस है जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये। लेकिन ये कुछ काम का नहीं है मेरा, ऐसे ही इसका प्राइस है 3,200, मतलब 3200 रुपया है इसका प्राइस। मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया इसका जो लेंस है, लेंस को खरीद के मतलब 3,200 रुपीज़ ऐसे ही वेस्ट हो गया, कोई काम का नहीं। ये लगाने से और भी बकवास आता है, मतलब पूरा क्लियरिटी उतना ज़्यादा नहीं आता है इसको लगाने से, ये अच्छा क्वालिटी का भी नहीं है। कुछ तो करो भाई, अच्छा करो, इंस्टा वाला मतलब जो कंपनी है उसको बोल रहा हूँ, तो कुछ तो बना रहे हो, तो इतना अच्छा कैमरा वगैरह बना रहे हो, तो ये भी थोड़ा एसेसरीज भी अच्छा बनाया करो। और ये भी कंपनी रिकमेंड भी है, और कंपनी का ही है, मतलब इंस्टा 360 का ही है। इसका हो गया 3,200, इसको साइड में रखता हूँ। और अभी आ गया हूँ गाइस इसका जो इंस्टा 360 है, इंस्टा 360 का जो माइक एडाप्टर, तो ये डुअल 3.5 mm का USB टाइप सी एडाप्टर है। तो ये हो गया एडाप्टर, माइक एडाप्टर हो गया ये। तो ये माइक एडाप्टर बहुत बढ़िया ही काम करता है, लेकिन GoPro का माइक एडाप्टर से भी थोड़ा लेकिन सस्ता है, ये बात अच्छा है। और ये मुझे करीब करीब पड़ा था 3,000 का आसपास ही पड़ा था, और अभी तो पता नहीं इसका प्राइस कितना है। हम तो बहुत पहले का ही फर्स्ट वर्ष जब निकला था तभी लिया था, और ये आज तक बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया है। और बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है इसको, मतलब नो कम्प्लेन, बहुत बढ़िया है। अभी इसको भी साइड में रखता हूँ। और अभी गाइस जो 360 के लिए मतलब जो यूज़ होता है, जो स्टिक वगैरह है, और ये स्टिक है, इसका जो पैकेट वगैरह है वो तो पता नहीं कहाँ पे फेंक दिया हम, तो धो ही नहीं पाया। तो ये हो गया इंस्टा 360 जो 1x2 का, मतलब 1x2 में भी लगा सकते हैं, 1x3 में भी लगा सकते हैं, सेम ही है, अभी तक तो अलग अलग नहीं है। और इसका नीचे में भी होल वगैरह है, ये नीचे में, तो यहाँ पे क्या पर्पज़ के लिए यूज़ करता है वो भी आप लोगों को बोलूँगा। तो ये जो ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक ठाक ही है, लेकिन इसका जो बिल्ड क्वालिटी और भी तगड़ा बना सकता था, बहुत ही मतलब लाइट वेट है, बहुत ही हल्का है, ऐसे करके आप लोग निकल सकता है। ऑलमोस्ट इसका 4.5 फीट का आसपास ही लंबा है इसका, ये भी खुद का पेड़ में ही खड़ा हो सकता है, जितना भी सामान वगैरह खुद का पेड़ में भी मतलब खड़ा हो सकता है। और इसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा अच्छा मतलब बना सकता था। और इसका जो बुलेट टाइम है उसका भी अलग से खरीदना पड़ता है, और ये मुझे पड़ा था 5,000 के आसपास पड़ा था ये जो स्टिक है इंस्टा 360 का। और इसका जो मतलब हम जो भी सीज लिया हूँ ओरिजिनल कंपनी भाई से वो सीज ही लिया हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ा, लेकिन मुझे जो ये इसको हलाना पड़ेगा, अलग कंपनी का ही यूज़ करूँगा अभी से, तो अभी तो फिलहाल ऑर्डर करना पड़ेगा और भी लंबा और भी बढ़िया मतलब मजबूत वाला। तो इसको भी साइड में रखता हूँ, इसका प्राइस हो गया अभी 5,000 के आसपास करीब पड़ा था। और गाइस ये जो माइक है, अभी माइक में आता हूँ, जो ये माइक है और माइक का प्राइस तो अभी 3,000 के आसपास ही था इसका, इसका प्राइस भी लिखा हुआ भी नहीं है, हम एग्जैक्टली भूल गया कितना था कितना नहीं था। और ये ECM लेप 1 माइक है, ये भी मतलब 2,500 टू 3,000 के आसपास ही पड़ा था, हम भूल गया हम, लेकिन इसका बहुत दिन हो गया। और कैमरा आने से पहले ही हम माइक खरीद लिया था, तो कुछ ज़्यादा ही मतलब मेरा दिमाग चलता है ऐसा कामों में, मतलब तो माइक ही प्राइस खरीद लिया।
और इसको यूज करता है लैपटॉप फोन वगैरह मोबाइल में, लेकिन यूज करने के लिए इसका अलग से एडाप्टर खरीदना पड़ता है और एक तो एडाप्टर बीच में डालना पड़ेगा। और मेनली कैमरा और लैपटॉप और यही एक्शन कैमरे के लिए बढ़िया है। और इसका जो नॉइस कैंसिलिंग है बहुत बढ़िया काम करता है, हाई स्पीड में मतलब 150 हम तो अभी 140-150 में भी वीडियो वगैरह बनाता हूँ, तो बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी देता है। तो इसको भी आप लोग परचेस कर सकता है, और इसको भी हम ऑफलाइन ही खरीदा था, दुकान से खरीदा था। और अभी इसका प्राइस भी बहुत घट गया, मतलब ज़्यादा प्राइस वगैरह नहीं है। और इसका ये भी निकल सकता है, ये जो चीज़ है, लेकिन हम तो नहीं निकलते, आप लोगों को इसे दिखाया हूँ। और अभी जो गाइस अभी जो ये फ्रेम था इंस्टा 360 1X2 का, तो ये फ्रेम का पैकेट अभी मिला है मुझे, तो ये हो गया पैकेट। और क्या क्या लिखा हुआ है आप लोग पढ़ लीजिएगा, सिर्फ इतना ही था सामान। और गाइस लास्ट में एक चीज दिखाता हूँ, जो ये चीज है, ये चीज भी मुझे 2000 का आसपास ही पड़ा था, 1950 रुपीज है कितना था, हम अमेजोन से खरीदा था ये वाला चीज। जो होता है पीछे से बाइक का, पीछे से मतलब व्यू वगैरह लेता है, अलग अलग हैंडल में लगाता है, तो ये हैंडल माउंट और सभी काम करता है ये। और इसको मतलब डायरेक्ट यहाँ में कैमरा भी फिट कर सकता है, और इसका मतलब यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं, जो यहाँ पे नट है, तो नट में मतलब इसको ये वाला जो होल दिखाया था आप लोगों को, ये यहाँ पे डाल के मतलब ऐसे लगाता है, ये होल बहुत ही बढ़िया है। और गाइस इतना ही सामान था, और कुछ सही नहीं। और एक बात बोलूँगा, जो इसका जो कैमरा में मतलब ये वाला कैमरा में जो चार्जिंग है, चार्जिंग आप लोग हाई स्पीड मतलब जो ज़्यादा होता है 18 वाट्स का ऊपर वाला चार्जर से मतलब चार्जिंग मोड दीजिएगा, तो बहुत ही हीटिंग वगैरह इशू हो जाता है ये कैमरा में, हमको मालूम चला है। और जितना हो सके आप लोग मतलब वही 18 वाट का नीचे वाला चार्जर से ही चार्ज देने के लिए कोशिश कीजिएगा। और गाइस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे हमेशा बने रहना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग बढ़िया रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हम जितना हो जाए उतना बोलने के लिए हम कोशिश करें। और अभी बारिश का भी सीजन है, कभी भी जा भी नहीं सकता, तो घर में मतलब ये सब भी वीडियो बना रहो। तो बाय बाय, गुड नाइट गाइस।